गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन. टुडे इज़ आर वीडियो फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट हिस्ट्री, SST, पार्ट हिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. पेज नंबर 13 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1813 टू 1848, यानी कि क्रांतियों का युग. कब से? 1830 से लेके 1848 तक का. ठीक है. अ कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राइड टू कंसोलिडेटेड देयर पावर. लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएट विद द रिवॉल्यूशन इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप, सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटम एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड. ठीक है. जैसे जैसे क्या हुआ कि रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत और मजबूत बनाने के लिए कोशिश की थी, तो यूरोप ने अनेक क्षेत्रों में क्या किया था, उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़ कर देखा जाने लगा. किसमें? यूरोप के अंदर अनेक क्षेत्रों को क्या अलग अलग जो एरियाज थे उनको क्या किया जाने लगा, उदारवाद और राष्ट्रवाद को भी क्रांति से जोड़ कर देखा जाने लगा. ठीक है. इटली, जर्मनी के जो राज्य थे, जैसे ओटोमन साम्राज्य, सूबे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ ऐसे क्षेत्र थे. ठीक है. These revolution were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. इन क्रांतियों की जो लीडरशिप कर रहा था वो कौन थे? शिक्षित लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, प्रोफेसर है, स्कूल टीचर है, क्लर्क हैं, वाणिज्य और ये बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, ये सब क्या थे? मिडिल क्लास के लोग थे. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ है, द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुई फिलिप एट इट्स हेड. पहले जो विद्रोह हुआ था इसका कब हुआ था? जुलाई 1830 में कब हुआ था इसका फर्स्ट विद्रोह हुआ था. और फिर उन्हें क्या किया गया, 1815 के बाद में हुई जो भी रूढ़िवादी प्रतिक्रियाएं थी उनके दौरान सत्ता में क्या किया गया, इनको बहाल कर दिया गया, यानी कि बहिष्कार कर दिया गया. उन्हें अब क्या किया गया, उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ के फेंक दिया था. ठीक. और उनकी जगह पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप था. ठीक है. अब वैन फ्रांस नीज मैटरनिक वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच्ड ऑल्ड द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क इन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स विच लीड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड. ठीक है. अब मैटरनिक ने क्या किया था, एक बार ये टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता भी है तो बाकी यूरोप की को भी क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है. किसने टिप्पणी की थी ये? मैटरनिक ने की थी कि जब फ्रांस छींकता भी है तो यूरोप बाकी यूरोप की क्या होती, सर्दी जुकाम हो जाता है उनको भी. और जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स से भी क्या हुआ था, विद्रोह भड़क गया था कि जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया था. यूनाइटेड किंगडम किससे अलग हो गया था? नीदरलैंड से अलग हो गया था. नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए, एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस. ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century. एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग में क्या कर दी थी, राष्ट्रीयता की भावना फैला दी थी. ठीक है. वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम. ठीक है. 15th century के अंदर यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था. कब? 15th century के अंदर. अब यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रगति से यूनानियों ने क्या किया था, आज़ादी के लिए क्या किया था, संघर्ष किया था. कब किया था? 1821 में किया था. और 1821 में क्या हो गया था, ये स्टार्ट हो गया था. ठीक है. द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरीज नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्कल ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग द ग्रीक्स विच इन बिगन इन 1821 में ये स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था. ठीक है. नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्टेड फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड आल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपथीज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर. यूनान में जो राष्ट्रवादी थे और वहाँ पर जो रह रहे थे उस समय, तो यूनानियों ने के साथ क्या क्या, पश्चिमी यूरोप के जो अनेक लोगों का उनको क्या मिला, समर्थन मिला, जो कि क्या थे,
प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। जो प्राचीन यूनानी संस्कृति थी, जो कल्चर था, उसके प्रति वो क्या रखते थे? सिंपैथी रखते थे। ठीक है, फिर पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीसेस एट द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इन इंडिपेंडेंट नेशन। फिर क्या हुआ था? पोइट यानी कि कवियों ने और कलाकारों ने क्या किया था? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताया था, कि पालना बताकर क्या कि उनकी प्रशंसा की, उनको अप्रिशिएट किया। और फिर एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के अंदर क्या हुआ? संघर्ष हुआ। और फिर क्या हुआ? अंग्रेज कवि था, क्या नाम था जिसका? लॉर्ड बायरन ने क्या किया? पूरे धन को इकट्ठा कर लिया। और धन को इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने क्या किया कि द इंग्लिश पोइट कौन था? लॉर्ड बायरन। उसने क्या किया? सारा धन इकट्ठा कर लिया था। और उसके बाद में वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824 में उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। किससे? फीवर से। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एंड इंडिपेंडेंट नेशंस। अब ये 1832 की जो संधि है, ये हमेशा रिकॉग्नाइज रहेगी, यानी कि याद रहेगी। ठीक है, किसके लिए? इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र के लिए। नेक्स्ट आता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।